हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपसे जिस लघु उपन्यास के बारे में बात करूंगी वो काफ़ी फेमस है। जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा त्यागपत्र। जैनेन्द्र कुमार जी, जिन्होंने साहित्य जगत में बहुत बड़ी उपलब्धियां दी हैं, इनका जन्म 2 जनवरी 1905 में कौड़ियागंज, जिला अलीगढ़ में हुआ था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनका असली नाम आनंदीलाल था और जैनेन्द्र कुमार इन्हें 1911 में इनके गुरुकुल के द्वारा मिला गया था। 1929 से 30 के बीच में इनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ फांसी। उसी दौरान इनकी भगवती देवी से शादी भी हुई और इसके बाद ये लेखन क्षेत्र में बढ़ते गए। इन्होंने स्वाधीनता स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मुंशी प्रेमचंद जी के साथ मिलकर हिंदू सभा का लाहौर में गठन भी किया, जिसमें जोश मली, हबादी जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी सक्रिय सदस्य थे। परख, वातायन, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, सुनीता आदि उनके कई फेमस लेखन हैं। इसके अलावा भी कई अनुवाद, कई सारे चित्रण उनके द्वारा हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के बाद हंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया। कहा जाता है कि ये कहानी असली कहानी है, त्यागपत्र की कहानी, ये सर एम दयाल, जो कि चीफ जस्टिस थे, उनकी कहानी है। वो काफ़ी समय तक जज पद से इस्तीफा देने के बाद हरिद्वार में एक लंबा समय उन्होंने अकेले बिताया और उनकी डेथ के बाद जो भी उनका पांडुलिपि संग्रह मिला उनके साइन के साथ, उसमें ये सारे आलेख था। त्यागपत्र एक ऐसी कहानी है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी, स्पेनिश और भी कई सारी भाषाओं में। चीफ दयाल की ये कहानी जो है, क्या वजह थी जो उनके मन की अदालत ने उन्हें समझौता नहीं करने दिया? अपने मन की अदालत के किस गुनाह की वो बार बार सजा पा रहे थे जिसने उन्हें ये लिखने पे मजबूर किया, इस पे ये पूरी कहानी आधारित है। कहानी एक बहुत प्यारे से खूबसूरत रिश्ते, बुआ भतीजे के रिश्ते पर आधारित है। भतीजा यानी प्रमोद। प्रमोद के पिता की 3 बहनों में उसकी जो बुआ मृणाल, वो अकेली बची थी और पूरे परिवार की दुलारी, स्पेशली प्रमोद की, क्योंकि वो प्रमोद से बस 5-6 साल ही बड़ी थी, इसलिए वो उसकी बुआ कम, दोस्त ज़्यादा थी। उनका ये संबंध भाई बहनों जैसा, दोस्तों जैसा, हंसी मजाक का, खेल का, लड़ाई झगड़े का और एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करने का था। प्रमोद अपनी बुआ को बहुत मानता था। उनका ये संबंध बहुत मजबूत था। प्रमोद की बुआ काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत चंचल भी, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत बुद्धिमती थी। हालांकि पढ़ाई में उसका विशेष मन नहीं लगता था, लेकिन कॉपी किताब को बहुत अच्छे से, करीने से रखना वो जानती थी और अपनी बुद्धिमानी से वो सबका दिल जीत लेती थी। कहानी तब से शुरू होती है जब प्रमोद 8th क्लास में आया और उसकी बुआ शायद इंटर कर रही थी। उस दौरान उसकी बुआ के जीवन में उसकी बेस्ट फ्रेंड शीला का भाई आता है, लेकिन ये बात बहुत जल्दी घर वालों को पता चल जाती है और प्रमोद की माँ, जो कि उसकी बुआ को भी बहुत प्यार करती है लेकिन एक बहुत कड़क मिजाज, जैसा कि एक घर की लेडी को होना चाहिए एक बच्ची के प्रति, कुछ कुछ वैसा था। प्रमोद की बुआ की बात खुलने के बाद, यानी कि मृणाल की बात खुलने के बाद, घर में काफ़ी तनाव रहा। उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई और उसकी शादी उससे काफ़ी बड़े उम्र के एक व्यक्ति से तय कर दी गई। प्रमोद को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने इस बात का विरोध किया, उसकी अपनी जितनी समझ थी। अच्छा, उसकी बुआ को भी नहीं लगा, लेकिन शायद उस वक्त जिसको वो पसंद करती थी वो उसका साथ देने लायक नहीं था। वो उसकी उस तरह की पढ़ाई या नौकरी नहीं थी कि वो उसके घर परिवार के सामने आकर अपना परिचय देता। मृणाल की बिल्कुल नहीं सुनी गई और उसकी शादी कर दी गई। बहुत जल्दी प्रमोद को ये पता तो चल गया कि उसकी बुआ वहाँ पे खुश नहीं है, ना ही उसके फूफा जी का व्यवहार वहाँ पे अच्छा है। वो बार बार अपने बड़प्पन का आभास कराता, अपनी दोस्ती का आभास कराता और बुआ से कहता, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखो और वहाँ पर मत जाओ। बुआ की इस बात पे बहुत मुस्कुराती भी, समझती भी, लेकिन वो जानती थी कि इन बातों का कोई हल नहीं है। बहुत दिनों बाद, शायद 7-8 महीने बीते थे, एक दिन उसकी बुआ अपने सर्वेंट के साथ अपने मायके चली आती है और वापस ना जाने की बात करती है। उस टाइम वो प्रेग्नेंट होती है और घर वालों को ये बताती है कि उसके साथ कितने तरह के अत्याचार होते हैं। प्रमोद से भी वो बताती है कि क्या बेस से पीटना या मार खाना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है,
तब प्रमोद उसकी पीड़ा को उस तरह से समझ तो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक समझने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि बुआ उस घर में अब कभी ना लौटे और वो उनके सारे दुखों को उनकी खुशियों में बदल दे। लेकिन उस सब के लिए प्रमोद की उम्र अभी बहुत छोटी थी। शादी जो कि एक सामाजिक बंधन है, और प्रमोद की बुआ यानी मृणाल भी इस बात को कहती है कि जो ससुराल से कट जाती लड़कियां वो मायके की भी नहीं होती। बहुत गहन पीड़ा के साथ कही उसकी ये बात प्रमोद समझ नहीं पाता और सारी सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच में समझा बुझा कर उसे वापस फिर अपने पति के पास भेज दिया जाता है। मृणाल वहाँ जाके खुश नहीं रह पाती है, फिर भी वो समझौता करने की कोशिश करती है और एक दिन वो अपने पति से अपने अतीत के बारे में इसलिए बात बांट लेती है क्योंकि उससे लगता है कि ये उसकी ईमानदारी है। वो बताती है कि शीला के भाई का लेटर आया है और वो उसे ये जवाब देना चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और आगे बढ़ना चाहती है, उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती है। प्रमोद के फूफा जी यानी मृणाल के हस्बैंड ये बात पचा नहीं पाते, काफ़ी इगोइस्ट भी होते हैं और वो आए दिन उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। उनके हिसाब से वो गलत चरित्र की ही लेडी थी। दिन पर दिन किया गया यह बुरा व्यवहार बढ़ता जाता है और एक दिन वो अपनी नई ज़िंदगी के लिए उसे घर से निकाल देते हैं। हालात की मारी मृणाल मायके जाने का भी साहस नहीं कर सकी क्योंकि उसके मायके में भी उसे पता था, ये कहकर भेजा गया था कि अगर तुम उनके खिलाफ आती हो तो हम भी तुम्हें कभी अपना नहीं सकते। औरतों की स्थिति बहुत बुरी होती है जब उनके लिए कोई घर नहीं होता। मृणाल के पति उस पर इतना एहसान जरूर कर देते हैं कि वो उसके लिए कमरा लेकर छोड़ देते हैं और मृणाल वहाँ पर रहने लगती है। प्रमोद जो कि बहुत छोटा बच्चा होता है और किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा होता है, तो वो ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में उसके बुआ के साथ क्या हो रहा है। वो उस तकलीफ को तो अंदर ही अंदर महसूस करता है, पर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बुआ की कोई खबर नहीं आती। प्रमोद काफ़ी परेशान होता है। इस दौरान काफ़ी साल बीत जाते हैं, वो ग्रेजुएशन के लेवल तक पहुंच जाता है लेकिन उसे बुआ का कोई समाचार नहीं मिलता। जब वो अपने घर वालों को बहुत कुरेदता है और ये देखता है कि वो उस घर में बुआ की बात करना ही अपराध है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और बात की तह तक जाना चाहता है। बात की तह तक पहुंचने पर उसे कुछ अनसुनी बातें, कुछ छोटी बातें ये पता चलती हैं कि उसकी बुआ ने पति का साथ छोड़ दिया है और वो किसी और के साथ रहने लगी है। एक दिन प्रमोद को उस जगह का भी पता चलता है, उस शहर का पता चलता है और अपनी यूनिवर्सिटी के एक एग्ज़ाम के दौरान वो बुआ से मिलने उनके घर पहुंच जाता है। वो एकदम हैरान रह जाता है बुआ को उस परिवेश में देखकर, जो एक 10 बाई 12 की छोटी सी कोठरी होती है और उसी में उनका सारा घर सारी गृहस्थी होती है और वो एक आदमी के साथ रहती हैं जो कि एक बनिया होता है कोयले की दुकान का। प्रमोद बहुत दुखी होता है, वो बुआ से बातें करता है, साथ चलने को कहता है। वो ये बताता है कि इस दौरान उसके पिता भी नहीं रहे, क्या अब वो उनके साथ चलेंगी। वो ये बताता है कि उसकी शादी की बात चली है, उनके बिना वो शादी कैसे कर सकता है। बुआ सारी बातें सुनती है और अपने अपराध को बताती है कि वो समाज में कितनी निंदनीय है। वो वापस नहीं लौट सकती क्योंकि वो चरित्रहीन मानी जाती है। वो ये बताती है कि उस व्यक्ति ने उसे सहारा दिया है, इसलिए वो उसकी आभारी और उसके साथ रहती है। उसकी सेवा करना फर्ज है लेकिन वो ये भी जानती है कि ये बहुत साथ बहुत दिनों तक का नहीं है। जिस दिन उसके पति को अपने परिवार को छोड़ने का अफसोस होगा वो वापस लौट जाएगा और शायद वो दिन अब जल्दी ही आने वाला है। प्रमोद हैरान परेशान सा लौट आता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। फिर कुछ समय पश्चात उसका मन नहीं मानता और वो फिर बुआ के पास जाता है। इस बार वो उसे वहाँ नहीं मिलती। लोगों से बातचीत करके पता करके जब पता चलता है उसे कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था जिसको मिशन वाले अपनाना चाहते थे, बट उसकी डेथ हो गई, उसके बाद बुआ कहाँ गई पता नहीं चला। इस दौरान प्रमोद के घर में शादी तय हो गई। राजनंदिनी एक ऐसी लड़की थी जैसी प्रमोद को चाहिए थी। प्रमोद उसे मन ही मन पसंद करता है। राजनंदिनी के परिवार के बारे में ज़्यादा जानने पर उसे पता चलता है कि उसकी बुआ राजनंदिनी के परिवार के छोटे बच्चों को एज ए टीचर पढ़ाती है। प्रमोद बहुत आश्चर्यचकित रहता है और बहुत खुश भी होता है बुआ के लिए, लेकिन वो इस बात को छिपाता नहीं अपने ससुराल वालों से और शादी होने से पहले ही वो ये बात उन पर शेयर कर देता है।
प्रमोद के जो होने वाले ससुर जी थे या राजनंदिनी थी, उसको तो इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन उनके घर के बड़ों ने इस बात पे बहुत ऐतराज़ किया और ये शादी टूट गई। हालांकि प्रमोद के जो होने वाले ससुर जी थे, उन्होंने पूरे जीवन भर अपने मृत्यु तक प्रमोद से रिश्ता निभाया एक बेटे और बाप की तरह, लेकिन राजनंदिनी से शादी टूटने का प्रमोद को बहुत अफसोस हुआ। इस सारे घटनाक्रम में मृणाल को अपने अपशुकनी होने का बहुत अफसोस होता है और वो वहाँ से भी चली जाती है। फिर लंबे समय तक प्रमोद को उसका पता नहीं चलता। इस दौरान काफ़ी वक्त बीत जाता है, प्रमोद एक नामी वकील हो जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है और माँ भी नहीं होती है। वो एक बार फिर बुआ को ढूंढते ढूंढ की कोशिश करता है या फिर अनमना सा रहता है और उतनी भरपूर कोशिश नहीं करता है जितनी कि शायद उसे करनी चाहिए थी। एक दिन उसके पास बुआ का लेटर आता है और वो उसे अपने पास बुलाती है। जब प्रमोद वहाँ जाता है तो उसे बहुत दुख होता है और कहीं ना कहीं ग्लानि भी। बुआ उस परिवेश में होती है जहाँ पे अधेड़ अवस्था की वेश्याएँ या मजदूर, अपंग लोग या पेशेवर से छोटे मोटे अपराधी लोग, उस तरह के लोगों का माहौल था। वो बुआ से फिर साथ चलने को कहता है, पर वो फिर इनकार कर देती है। वो कहती है कि तुम मुझे कुछ पैसे देकर जाओ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ इन्हीं लोगों के बीच में, अब मैं तुम्हारे साथ जाने लायक नहीं हूँ, यही मेरे अपने हैं, इस चीज़ को तुम नहीं समझ सकते और ना मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। प्रमोद थोड़े पैसे देकर और अपने एक साथी से ही उनके खाने पीने की व्यवस्था कराकर हॉस्पिटल में उनके इलाज की व्यवस्था कराकर चला आता है, बट वो बहुत ज़ोर देकर नहीं कहता कि नहीं बुआ मैं सब संभालूंगा, तुम मेरे साथ चलो। और वर्षों पश्चात एक दिन बुआ के मरने की खबर आती है, और जिस दिन बुआ के मरने की खबर आती है उस दिन प्रमोद को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एहसास ये नहीं था कि वो बुआ को प्यार नहीं करता था, वो बुआ को बहुत प्यार करता था, पर अगर वो बड़ा होने के बाद वो चाहता तो रिजिट होकर अपनी बुआ को एक अच्छा घर दे सकता था, एक सुरक्षा दे सकता था, एक चिकित्सीय सहायता दे सकता था, पर वो शायद कभी इतना अपने आप के लिए रिजिट हुआ ही नहीं, वो उन्हें लाने के लिए अपने आप के लिए इतना मजबूत हुआ ही नहीं। और ये ग्लानि प्रमोद को खाने लगी। उसे लगा कि वो लाखों लोगों का इंसाफ करता है, लोगों के लिए न्याय करता है, पर ये उससे अन्याय हुआ, उससे गलती हुई। वो बुआ जिसने उसे जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार दिया, वो बुआ जो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी या उसकी उम्मीद करती थी उसके साथ की, उसने उसका साथ भरपूर तरीके से नहीं दिया। और दिन पर दिन उसकी ये ग्लानि इतनी बढ़ती गई, उसे इतना कचोटती गई कि उसने अपने पद से, जब वो जज हो चुका था, इस्तीफा दे दिया। उसे लगा कि उससे जीवन में इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता, और अपना जीवन अकेले बिताने लगा। सारी कहानी का सार यही है। वास्तव में आपका मन एक ऐसी अदालत होता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, वो सामाजिक तौर पर दिखे चाहे ना दिखे, आप लोगों से शेयर करें चाहे ना करें, आपका मन जानता है कि आपने क्या सही और क्या गलत किया है। बहुत छोटा सा अंतर होता है अपने मन को समझने का, जानने का। लेकिन ये उपन्यास लघु होते हुए भी बहुत प्यारी है और अपनी सारी बात कहती है, बहुत सटीक ढंग से कहती है। आप इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ना दोस्तों, ये बहुत भारी भरकम नहीं है, बहुत मोटी सी भी नहीं है, लेकिन भरपूर है, सार्थक है। इसको पढ़कर आप उससे जुड़ाव महसूस करेंगे और आप प्रमोद के मन का अंतर्द्वंद और उसकी बुआ का संघर्ष भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जल्दी हम फिर मिलेंगे अपने अगले उपन्यास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।